हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के तहत ज्यूरी के समीप 6 सितंबर को नेशनल हाईवे पूर्ण तरह से अवरुद्ध हो गया था। हालांकि दो दिन युद्ध स्तर पर काम चलाने के बाद यातायात तो बहाल हो गया है, लेकिन ऊपर से पत्थर का गिरना अभी भी जारी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से जोखिम के बीच मार्ग को बहाल करने का काम जारी है। मार्ग से मलवा तथा पत्थर हटाते ही बीच बीच में वाहनों की आवाजाही की जा रही है, लेकिन 24 घंटे यातायात इस हालत में खुला रखना अब मुश्किल है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने लोगों से अपील की है कि वे बेवजह सफ़र ना करें, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अभियंता ने बताया कि मार्ग पूर्ण रूप से दुरुस्त करने का प्रयास जारी है, लेकिन बीच में मार्ग ठीक करते ही पहाड़ी से चट्टाने गिर रही हैं, जिससे काम में दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा कि बीच बीच में वाहनों को छोड़ा भी जा रहा है, साथ ही लगातार बारिश के कारण नेशनल हाईवे पर चट्टानों के गिरना संभव है। ऐसे में लोगों से वे आह्वान करते हैं कि लोग आवाजाही कम करें। पर्सनल ये अपील है, पर्सनल मैं प्राधिकरण राष्ट्रीय उच्च मार्ग से हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे बेवजह लोग सफर ना करें, क्योंकि यहाँ पर पत्थर ऊपर से गिर रहे हैं। 40 मीटर हाइट लगभग इसकी है, 100 मीटर लेंथ है, पत्थर कहीं से भी गिर रहे हैं। गाड़ियों को हम नहीं रोकना चाहते, हम चाहते हैं कि गाड़ियाँ चलती रहें, लेकिन बेवजह लोग भी तो आ रहे हैं, उनको भी मैं ये पर्सनली बोल रहा हूँ कि वो यहाँ ना आए, ना बेवजह सफ़र ना करें। ये मेरी अपील है राष्ट्रीय उच्च मार्ग के प्राधिकरण होने के नाते, मैं यही अपील करूँगा। कल का प्रोग्राम हमारा ये, वैसे हम रोड को चौड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं जितना ये हो सकता है। गाड़ियाँ भी हम कुछ कुछ इंटरवल्स के बाद छोड़ रहे हैं, लेकिन जो ऊपर से हमारे स्किल्ड लेबर भी अगर हम ऊपर भेजते हैं, भेज नहीं पाएंगे हम उनको, क्योंकि ऊपर से लूज पत्थर जो है वो गिरते जाएंगे और उनको भी खतरा लगातार बनता जाएगा। इसलिए मैं जनता से भी अपील करता हूँ कि बेवजह वो सफ़र ना करें। धन्यवाद।